देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा में हुई प्रवर समिति की तीसरी बैठक, नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई है। समिति अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अध्यक्षता की। भाजपा और कांग्रेस के कई नेता इस दरमियान मौजूद रहे। प्रवर समिति को एक माह के भीतर विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपनी होगी। बड़ी जानकारी देहरादून से हम आपको दे रहे हैं। नगर निगम अधिनियम संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चा की गई है। विधानसभा में हुई प्रवर समिति की तीसरी बैठक, और इस बैठक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही शामिल हुए। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रवर समिति की लगातार बैठकें हुई हैं। बैठक का मकसद था कि कब चुनाव कराया जाए। वही चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार कराए जाएंगे। इस पर प्रवर समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। चुनाव कब होंगे, क्या रूपरेखा होगी, इसको लेकर हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। निगम अधिनियम विधेयक की लगातार बैठकें हो रही थी, और आज एक ऐसा पूरा का अगर कहें तो उसको लेकर जो निचोड़ निकला है वही जानते हैं कि क्या कुछ है। हमारे साथ मंत्री हैं, मंत्री से ही बात करते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, इतनी बैठकें हुई और बैठकों के बाद लास्ट में निर्णय जो निकला है कि आप चुनाव कराने के लिए अब आपको आगे बढ़ना है, तो क्या कुछ रहा इन बैठकों में, और इतनी बैठकें करने का फिर क्या फायदा जो पुराना ही धरे में फिर से चलना है? देखिए, प्रवर समिति के गठन के बाद से हम लोग एक व्यापक चर्चा अपने उन विषयों पर कर रहे थे, और आज समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सामने जो चुनाव है उसको लेके कि हमारी जो जनसंख्या 2011 के आधार पे 2018 का चुनाव हुआ, और उसमें भी जो आधार बनाया, अब 2023 या के बाद जो 2024 में चुनाव होना था, तो हम 2018 वाले चुनाव को उसी आधार पे हम लोग करेंगे। यानी कि ये भी प्रवर समिति का ही निर्णय है, और प्रवर समिति का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो ओबीसीज हैं वो राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और अन्य रूप से, उसके बारे में व्यापक अध्ययन और व्यापक चर्चा करने के बाद फिर हम इसे अंतिम निर्णय की तरफ आएंगे। यानी कि उसमें हम जो हमारे यहाँ के प्रदेश के हित में व्यापक चर्चा हम करना चाहते हैं वो निर्णय लिया गया, और अभी इसकी बैठकें, चूंकि 8 अक्टूबर का इसका कार्यकाल खत्म हो रहा था, एक महीने का कार्यकाल मिला था, तो उसको कार्यकाल बढ़ाने की भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और जैसे ही इसका कार्यकाल बढ़ेगा तो बैठकें उसी बीच में हम लोग करेंगे। चुनाव को लेकर अगर कहें तो दिसंबर में कहा जा रहा है कि अब चुनाव कराना है, समय ज्यादा नहीं है, क्या तैयार हैं आप पूरी तरह से चुनाव करा लेंगे जिस तरह से चुनाव होने चाहिए संपन्न? नहीं, क्यों नहीं कराएंगे, सरकार तैयार है चुनाव कराने के लिए, हम कराएंगे चुनाव। आरक्षण की बात करें, सब होंगे, बिल्कुल होंगे। विपक्ष जिस तरह से कह रहा था कि ये विपक्ष के कहने के आधार पर सरकार नहीं चलती ना, विपक्ष तो अपनी बात को, आप किसी भी विषय को लीजिए, विपक्ष को तो एक अपनी बात कहनी है या विरोध करना है, सरकार अपना काम करती है, सरकार अपना काम करेगी, हम नियम और परिस्थिति समय सबके आधार पर हम अपना निर्णय लेते हैं, हम निर्णय ले रहे हैं, हम चुनाव कराएंगे। विपक्ष इसमें कोई भी रास्ता बोले, कोई भी बात बोले, ये उनका विषय हो सकता है, हम लोग चुनाव कराएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। आखिर अगर देखा जाए कि चुनाव की अगर बात करें, दिसंबर का समय है, आप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें अटक जाती हैं। अगर हम बात करें कि आरक्षण जो है, आपने बता भी दिया वैसे भी, तो आरक्षण को लेकर भी आपके लिए समय नहीं है, चुनाव कराने का आपके पास समय नहीं है, इतनी सारी चीजें आप एक साथ किस तरह से मैनेज करेंगे इतने कम समय में, आप क्योंकि समय का तो सच में बहुत कम है अभी। देखिए, आपको हमने कहा कि हम चुनाव कराएंगे, इसका मतलब हम सब चीज के लिए तैयारी कर रहे होंगे, सरकार उसके लिए तैयार है का मतलब हम तैयारी कर रहे हैं। हम तो बीच बीच में जब हम समय मांग रहे थे, बीच बीच में सब तैयारी तो चल रही थी ना, हमने किसी काम को रोका नहीं है, काम लगातार जारी है। अब मैंने कहा ना, कोई चीजें परिस्थिति समय के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं, परिस्थिति भी हमारी अनुकूल है, समय भी हमारे अनुकूल है, और हमारे पास अब चुनाव ही कराना विकल्प बचता है, चुनाव कराएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी जो सीधे बता रहे हैं कि अब हमारे पास जो विकल्प है वो चुनाव कराने का ही बचा है, और हम पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए भी तैयार हैं।
मेरे सहयोगी राहुल के साथ योगेश सेमवाल, देहरादून। राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है। इसके पीछे तमाम विकास और निर्माण कार्य रहे हैं, जिसके चलते कृषि योग्य भूमि की जगह अब अन्य निर्माण कार्य किए गए। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अब कृषि भूमि को बचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है, कई प्रदेशों के भू कानून पर चर्चा हो रही है, उसमें जो भी अच्छा होगा उस पर गहन मंथन करने के बाद उत्तराखंड में लागू करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने के साथ साथ कृषि भूमि को भी बचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मसूरी में संभागीय परिवहन विभाग ने आज मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में रेंटल बाइक स्कूटी कार्यालय पर जाकर दस्तावेज खंगाले हैं। इस दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर उनकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसी के साथ परिवहन कर अधिकारी अनुराधा पंत ने आज पिक्चर पैलेस लाइब्रेरी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रेंटल स्कूटी बाइक संचालकों में हड़कंप मच गया। मसूरी में जो रेंटल बाइक हम लेते हैं घूमने के लिए, जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनकी जो शॉप्स हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे, इनकी हर एक दुकान पे जाके इनके पंजीकरण, लाइसेंस, कितनी गाड़ियाँ लाइसेंस में पंजीकृत हैं, इसके अलावा इन्होंने क्या व्यवस्थाएं रखी हैं, क्या इन्होंने रजिस्टर और अपने अभिलेखों का संरक्षण अच्छे से किया है या नहीं किया है, इसके अतिरिक्त इनकी पार्किंग की सुविधा कहाँ उपलब्ध है, इनके दिए गए पते पे इनकी जो शॉप है वो उपस्थित है या नहीं है, इनका संचालन कौन कर रहा है, इनके अभिलेखों की पुष्टि की, लाइसेंस की जो वैधता है वो कब तक है, इस तरीके की सारी जाँच की जाए। परिवहन निगम राज्य स्थापना 9 नवंबर के दिन 130 नई बसों को बेड़े में शामिल करने जा रहा है, जिसका निगम की टीम अंतिम निरीक्षण कर रही है। इन बसों का संचालन पहाड़ी मार्गों पर किया जाएगा। परिवहन निगम के MD आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि फरवरी मार्च में इन 130 बसों को टाटा मोटर से ऑर्डर किया गया था, जो अब जल्द ही परिवहन निगम को प्राप्त होने वाली है। परिवहन निगम की टेक्निकल टीम अंतिम निरीक्षण के लिए पहुंच गई है और जल्द ही 130 BS6 की डीजल बसें निगम को मिल जाएंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के गोचर शहर में 16 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस और ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत पेयजल की समस्या को लेकर 48 दिनों से धरना दे रहे थे, जिसके बाद बद्रीनाथ से विधायक के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया है। बद्रीनाथ विधायक लखपत बटोला ने कहा कि आगामी सत्र में, और वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ड्यूटी से लौट रही ITBP जवानों से भरी बस ताशला के पास पलट गई। हादसा ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे पर हुआ है, जिसमें 8 जवान घायल हो गए हैं, जबकि अन्य सभी जवान सुरक्षित हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है। हरिद्वार में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने SSP कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशिवरी हत्याकांड के आरोपी BJP नेता की गिरफ्तारी और गौ तस्करी के शक में वसीम की हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल ने दिनेशपुर नगर पंचायत का निरीक्षण किया, साथ ही नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नगर पंचायत के विकास कार्यों समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान परगना मजिस्ट्रेट ने नगर पंचायत कार्यालय को रंग रोगन करने के लिए कार्यालय कर्मचारियों के आदेश दिए हैं। आज यहाँ पे
नगर पंचायत दिनेशपुर का ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसमें जाने की कोशिश की गई कि यहाँ की कार्यवाही किस प्रकार चलती है और यहाँ के भवन की, यहाँ के अधिष्ठान की क्या सिचुएशन है। तो इसमें कुछ कमियाँ भी पाई गई जो कि मैंने जो भी नोडल ऑफिसर ने हमको बता दिया है, जैसे कि बाहर से बिल्डिंग अच्छी लगनी चाहिए जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी परेशानी लेकर आता है, तो उसको एक ये फीलिंग आई कि मेरा काम यहाँ से हो जाएगा, तो उसके अनुसार भी कुछ आदेश दिए गए हैं। बाकी जो इनका फील्ड का वर्क है, जिसमें हाउस टैक्स कलेक्शन हो गया या फिर प्रधानमंत्री आवास के घर बनाने का काम हो गया है, स्ट्रीट लाइटिंग का हो गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, उस सब में भी बहुत ही अच्छे से। और खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड में कई विभागों की सरकारी वेबसाइट हैक हो जाने से कामकाज ठप हो गया है। लक्सर तहसील में भी आमजन को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। लक्सर तहसील में कई प्रमाण पत्र लेने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन लगातार चक्कर काटने के बावजूद भी लोगों को जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। वेबसाइट और कामकाज कब तक सुचारू हो पाएगा? कर्मचारी भी लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक लोग यूं ही चक्कर लगाते रहेंगे और कब वेबसाइट को ठीक किया जाएगा। मुझे ना एक खतौनी की नकल चाहिए थी, मैं यहाँ पर दो तीन दिन से आ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 7-8 दिन खतौनी नहीं मिलेगी, वो साइट किसी हैकर ने हैक वैक कर रखी है। और मुझे आज अपने किसी परिचित की जमानत करानी थी, तो जमानत में डेट भी आ गई, अब बहुत समस्या हो रही है, मतलब जमानत कराऊं तो कैसे कराऊं मैं, ये कह रहे हैं अभी अब और भी टाइम लगेगा। फिलहाल पहले कागज जमा करे थे और उसके बाद उत्तरदायित्व बनाने थी पैसे निकालने के लिए अकाउंट में था पिताजी के, फिर साइट बंद हो चुकी थी, फिर आए, फिर एक दिन छुट्टी थी। चौखंबा पर्वत तीन आरोहण के लिए गए अमेरिका व ब्रिटेन के दो महिला पर्वतरोहियों फंसने की सूचना पर प्रशासन ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराया है। दो हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरने के बाद बताए गए संभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर्स ने चक्कर काटने के बाद लापता पर्वतारोहियों का कोई भी पता नहीं चलवा। अब प्रशासन SDRF व NDRF को हेली से मौके पर भेजकर रेस्क्यू करा रही है, लेकिन दो दिन बीत गए अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शांतर शाह में गैंगरेप के बाद हत्या मामले और वसीम प्रकरण को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने रोशनाबाद मुख्यालय पर धरना दिया। वहीं बड़ी संख्या में धरने में शामिल लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतर शाह गैंगरेप और हत्या में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। रुड़की के माधोपुरा में वसीम नाम के युवक की हत्या में भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मैं आज यहाँ इसलिए हूँ कि हमारी बेटी जो है, जो शांतर शाह की थी, जिसका रेप करके हत्या कर दी गई और अभी तक सब लोग गिरफ्तार नहीं हुए, प्लस वसीम के परिवार के साथ जो जुल्म हुआ, झूठे मुकदमे लग के जिस तरह से उनपे उनको डराने काम किया, वो झूठे मुकदमे वापिस हो और FIR दर्ज होके और कार्रवाई हो जिन लोगों ने अपराध किया। मैं ये नहीं कहता कि किसने अपराध किया, मैं उसके नाम को खोलना नहीं चाहता, ना मुझे जानकारी, मैं तो ये चाहता हूँ पुलिस FIR दर्ज करे और FIR के बाद जांच करा दे, वो निष्पक्ष जांच कराए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिसने अपराध किया है, नहीं किया किसी ने तो उसको बरी कर, और अगर अपराध जिसने किया हो फिर उसका बचाव ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कानून व्यवस्था से, पुलिस से लोगों का भरोसा हट जाएगा, सरकारों के विवेक से लोगों का भरोसा हट जाएगा, ये नहीं हटना चाहिए।